डालर बढ़ रहा है तो महंगाई बड़ी है। मैं बड़ी छेती नाल उसे गल करांगा तुहाडे नाल, तुहानू छोटी जी गल समझाने की कोशिश करांगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। ऐ हुणे ही तुसीं इत्थों गड्डी च बैठोगे तो जिस वेले तुसीं गड्डी च बैठ के ते तुसीं चलाओगे अपनी गड्डी सड़क के उत्ते और उन्हूं रेस का पैडल दबोगे तो तुहाडी गड्डी च एक सूई लगी होंदी आर पी एम की, वह उत्ते जाएगी, गड्डी तेल भी ज़्यादा खाएगी और स्पीड भी ज़्यादा पकड़ेगी, सफर भी कटेगा। ये बिल्कुल मुल्क की इकोनमी इस तरीके होंदी है। जिस वक्त किसी भी मुल्क दे विच तुसी उहदी इकोनमी नूं ग्रो करन की कोशिश करते हो तो उस वक्त तुहानूं थोड़ी स्पीड देनी पैंदी है। उहनूं जदों तुसी इकोनमी खोलदे हो तो उहदी वजह तो तुहाडे मुल्क नूं पैसे की ज़्यादा लोड पैंदी है, डॉलर की ज़्यादा लोड पैंदी है, क्योंकि तुसी इंपोर्ट करनी है, उहदी वजह तो तुहाडे डॉलर की मांग ज़्यादा वधदी है, जिहदी वजह तो डॉलर की कीमत उत्ते जांदी है और उस वजह तो तुहाडे इनफ्लेशन आती है, महंगाई आती है। हुकूमत दे कोल एक तरीका है, जिस तरीके नाल पुरानी हुकूमत करती रही है, 32 अरब डॉलर का फायदा होया इन्हां नूं, क्योंकि पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट के कीमत घट सी, 32 अरब डॉलर तकरीबन 3000 अरब रुपया बनता है पाकिस्तान का। वह सारा पैसा जिहड़ा वह लगा किस चीज़ से लगा, डॉलर का रेट कंट्रोल करन, लेकिन साड़ी उहदे नाल एक्सपोर्ट घट हुई वधण तो बगैर, साड़ी उहनां दे नाल रिपोर्ट एक्सपोर्ट जिहड़ी है वह एक्सपोर्ट वधण की बजाय साड़ी एक्सपोर्ट जिहड़ी है वह घट गई। की जानिब से किया जाएगा, क्या फजाई हदूद इस्तेमाल करने पर कर्जे वध गए, एक्सपोर्ट घट गई और असी एक नवे खूह दे विच डिग पए जिहदे चों कढ़न वास्ते प्राइम मिनिस्टर नूं 3 साल, मैं कहांगा पूरी कौम नूं भी और प्राइम मिनिस्टर नूं भी पेट से पत्थर रख के मेहनत करनी पई, जुस्तजू करनी पई कि असी कर्जे लैण की बजाय इज्जत दे नाल अगे तुर सकीए। उस तो बाद मैं शॉर्ट गल करांगा, क्योंकि मैं पता है कि उधर खाना खुल रहा, दोस्तों ने खाने वाल जाना है, मैं बड़ी शॉर्ट गल करांगा, लंबी गल नहीं करांगा। मेरा मतमा नज़र यह है, इस इलाके का पुत्र होने के नाते, इस इलाके का वो मेरा ख्याल है फरक हबीब साहब इलेक्शन मोड चले गए, उन्होंने भुल गया कि रोटा लोगों ने रोटी भी खानी सी, तो उन्होंने कोई लैक्चर लंबा कर दिता तो हुण दोस्तों का जिहड़ा सफर का पैमाना लबरेज हो गया। मैं एड्डी लंबी गल नहीं करांगा, शॉर्ट गल तुहाडे नाल है कि तुहाडा पुत्र है, इत्थों का रहण वाला है, इत्थे ही प्राइमरी पढ़िया, इत्थे ही मैट्रिक किया, इसे ही गवर्नमेंट कॉलेज तो FSC की, इसे शहर दियां गलियां दे विच असीं फिर के जवान होए, इन्हां पिंडां दियां धूड़ां जिहड़ियां ने साडे उत्ते पैंदियां रहियां जदों असीं इत्थे खेडदे रहे ते पढ़दे रहे। इसलिए जिहड़ी मेरा सब तो पहला फोकस है वह तालीम का है, क्योंकि तालीम ने मेरी जिंदगी बदली। मैनूं इह लगदा कि अगर एक बच्चे नूं या बच्ची नूं असीं तालीम दे दईए ते उह अपनी जिंदगी भी बदल सकता है ते अपने इलाके की जिंदगी भी बदल सकता है। हुण तक असीं 39 स्कूल जिहड़े ने वह अल्लाह के हुक्म नाल मैनूं तुहाडियां दुआवां नाल प्राइम मिनिस्टर साहब की खास शफकत और वजीर आला साहब की मेहरबानी कि 39 स्कूल तुहाडे इलाके के जिहड़े ने उहनां नूं अजे तक अपग्रेड करवाया जा चुका है। इंशाल्लाह मैं इहदे उत्ते होर भी काम कर रहा है। एक तुहाडे लई मैं होर खुशखबरी लैके आ रहा कि कल दुपहरे परसों दुपहरे जिहड़ा प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट का डिपार्टमेंट है उहदे विच तुहाडे तकरीबन 48 करोड़ के जिहड़े डिजकोट के इलाके के ट्यूबवैल ने उन्हां दी फाइनल अप्रूवल हो गई है। उहदा हुण पैसा इरीगेशन नूं जारी होएगा और ट्यूबवैल लगणगे जिन्हां किसानां दी जमीनां दे विच पाणी है उत्थों निकल सकणगे। अगली गल है कि ऐसे सत्याणे रोड से अजकल मैं कोशिश कर रहा हाँ, तुसीं दुआ करनी है कि अल्लाह उहदे विच कामयाबी देवे, इंसान दे हाथ दे विच सिर्फ कोशिश है। वह कोशिश मैं ये कर रहा कि सत्याणा रोड जिथों जाके मोटरवे नाल लगता है उत्थे असी एक इंटरचेंज बनवाईए। और इस हुकूमत दे विच क्योंकि मैं काफ़ी सारा पैसा उहनूं मंग पिन के कहो, दब के कहो, खो के कहो, जिवें कहना है, वो कोई 1.25 अरब 1.5 अरब रुपया अगे ऑलरेडी मैं लिया चुकिया इस इलाके वास्ते। मैनूं लगता है अगले 2 सालों के हुण होर शायद गुंजाइश ना बचे, लेकिन अगर कोई मेरा हाथ पिया तो मेरा अगला दिल ये है कि
ये जड़ा साड़ा यार ये माइक देखना दे। ये जड़ा साड़ा रोड बनेगा इथों आने वाले वक्त मेरी कोशिश होएगी कि इस मोटरवे नू पैंसले दे उत्ते मोटरवे दे नाल जोड़ दिता जाए और ये सड़क सत्याने तो सिद्धी डिजकोट पैंसला दे वाए दोनों मोटरवे नू जोड़े ताकि साड़ा इलाका उत्ते जा सके। मकसद मेरा यह है कि अपने इलाके का किसान उहदी मंडियां तक रसाई होए साडे इलाके दे ताजर दी रसाई होए साडा इत्थों दा पढ़न वाला जिहड़ा बच्चा और बच्ची है उहदी रसाई किसे कॉलेज यूनिवर्सिटी तक होवे। जिहड़ी अगली गल है तुहाडे नाल मैं करनी है वज़ीर आज़म साहब नाल जिहड़ा भी वक्त मेरा गुजरता है सारे दिन दे विच उहदे विच मैं एक गल वेखना है। ए फरख हबीब साहब इस गल दे गवाह ने जिस वेले भी साडे कोल आंदे ने दफ्तर ये अपनी खा के आते हैं तो साढ़े को सिर्फ इन्हों चाय और बिस्किट लभदे ने। उत्थे प्राइम मिनिस्टर ने तिना साल 108 करोड़ रुपया मैं दोबारा रिपीट कर रहा 108 करोड़ रुपया तिना साल खाण पीण के पैसे बचाए ने। जोड़े वे वे ढिडा वाले उतों खा के निकल जाते सन 108 करोड़ रुपए का बजट बचाया हूँ पैसे घर के जाने नहीं वो पैसे थोड़े तो लगने ने कोई खाल पक्के होणगे कोई नहरा पक्या होणगियां कोई सड़कां पक्या होणगियां कोई कॉलेज बनेगा कोई स्कूल बनेगा। हुण मैं तुहानूं सिर्फ ये दसण लगा है कि साडे इलाके दे विच बच्चियां दी एजुकेशन का कोई बंदोबस्त नहीं साडियां धीआं नहीं पढ़ सकदियां। उहदे वास्ते मैं जलंधर दे विच एक कॉलेज की कोशिश की और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वज़ीर आज़म की खास मेहरबानी दे वो तकरीबन 18 करोड़ रुपए की लागत नाल वो हुण उत्थे जिहड़ा कॉलेज है जलंधर दे विच अनकरीब शुरू हो जाएगा। वह NOC चला गया होया उत्ते जगह का उन्होंने जगह अवार्ड हो जाएगी और जलंधर तो बाहर खब्बे पासे उहदी जगह अवार्ड हो रही है और वह कॉलेज इंशाला बड़ी जल्दी बनेगा। इस तरीके मुंडिया वास्ते डिजकोट दे विच कॉलेज बनवा रहे हैं उहदी भी लागत 16 तो 18 करोड़ है इंशाला उहदे भी बहुत जल्दी उहदा भी NOC इत्थों मूव हो गया होया जिस वेले कंप्लीट हुंदा है तो उस कॉलेज से भी काम शुरू होएगा। से बच्चों की थल्यों तालीम लैके उतों तक उस तो बाद अपने इलाके दे विच सड़कां ताके मंडी तक नौकरी तक ते कॉलेज स्कूल तक लोगों की रसाई होवे। और एक होर गल मैं तुहाडे नाल करना चाहना है फरख हबीब साहब ने भी तुहाडे नाल गल की वो तुहाडे नाल गल की हैल्थ कार्ड की तुसीं हैल्थ कार्ड की गल सुनी पर तुहानूं समझ नहीं आई मैं यकीन नाल दस सकना उहदी मैं तुहानूं एक मिसाल दिंदा उस तो बाद तुहानूं समझ आएगी। मैं जरा हाथ खड़ा करके दसना कि क्या 1980 की दिहाई 88, 87, 86 या 91, 92, 93 दे विच जिहदे घर दे विच टैलीफोन लगा हुंदा सी वो कोई आम आदमी हुंदा सी बड़ा खास बंदा हुंदा सी टैलीफोन लवाउण वास्ते वफाकी वजीर की सिफारिश चाहिए हुंदी सी उस तो बगैर टैलीफोन नहीं सी लगता। फिर मोबाइल फोन आए मैंने याद है साढ़े पिंडां दे विच एक्सचेंज लगती सी इको ही नंबर हुंदा सी किलियां पा के गल्लां करी दियां सन चेता होएगा तुहानू 3 मिंट की कॉल हुंदी सी ते ओह 2 मिंट ते कह दिंदा सी कि टाइम पूरा हो गया। उत्थों चलदा चलदा काम कित्थे आया पाकटेल इंस्टाफोन के मोबाइल फोन आए वो 3 लाख रुपए का 3.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन हुंदा सी। फिर सिम फोन आया जिस वेले छोटे फोन आए वो सिम जिहड़ी सी 70, 80 हज़ार, 60 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 25 हज़ार ते तुसीं खरीदते रहे हो। अज की हाल है अज तुहानूं सिम भी दिंदे ने नाल 500 का चार्ज भी दिंदे ने। इह सारी डेवोल्यूशन जिहड़ी पार दी होई है टैलीफोन दे विच इह किस तरह होई है एक गवर्नमेंट ने एक इनेबलिंग एनवायरमेंट दिता है टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और अज असीं टैलीफोन वास्ते किसी की मरूने मिन्नत जाके दरखास्तां नहीं देनियां पैंदियां इंज ही है। फैसलाबाद में मावन खसूसी शहबाज गिल PTI के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क में मयार तालीम को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है
तीन साल में 108 करोड़ रुपए वजीर आजम ने खाने पीने से बचाए और ये पैसे आवाम पर लगेंगे। इससे स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, नहरें बनेंगी। इसके अलावा उनका कहना था कि हमारे इलाके में बच्चियों की तालीम का बंदोबस्त नहीं था और मैंने जलंधर में कोशिश की है, जल्द कॉलेज बन जाएगा, लड़कों के लिए डचकोट में कॉलेज बनवा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीटीआई के नौजवान वर्कर्स हमारा असासा है। ये थी अब तक की ताजा तरीन।